वारस पंजाब जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस के वलों शनिवार तो आरंभे मैगा ऑपरेशन के विरोध के इतिहासक नगर तलवंडी साबो के निशाने खालसा चौंक में बीती देर रात कुछ लोगों को हिरासत के लैन उपरंत ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दे पेश करके 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत के जेल भेज दिता गया है। डीएसपी बूटा सिंह गिल ने गलबात करदिया कहा कि किसी नूं भी माहौल खराब करन दी इजाजत नहीं दिती जाएगी। उधर प्रदर्शन की अगवाई करने वाले प्रदीप सिंह सोनी बाबा नां दे नौजवान ने जेल जाण समय पत्रकारां नूं संबोधन हुंदिया सरकार वल्लों सिख नौजवानां दी कीती जा रही फड़ोफड़ी की निंदा कीती। तलवंडी साबो तो अज की आवाज़ के लिए रणजीत सिंह राजू की रिपोर्ट। देखो प्रोटेस्ट करना जो हैगा वो कोई जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस तरह रात है ना लोगों ने लेट नाइट करीब 12 बजे ये खंडा चौंक के तलवंडी साबो जो है वो जाम लाया, रोड ब्लॉक की, तो वो तहत इन्हों गिरफ्तार किया गया क्योंकि मानयोग डीसी साहब बठिंडा वालों धारा 144 लागू की गई है जिसके तहत 5 या 5 तो वध व्यक्तियों का इकट्ठ कोई मारू हथियार या कोई भड़काऊ भाषण या कोई होर नारेबाजी या कोई होर किसी भी तरह की गतिविधि जिद आम लोगों की अमन शांति भंग होंगी जन जीवन पर प्रभाव पैदा है उन्होंने कानूनी तौर पर कोई आग्ञा नहीं है बिना परमिशन तो वो तहत जोड़ा भी कोई व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करता है तो वह सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिससे मानयोग SSP साहब बठिंडा श्री GS खुराना IPS साहब के ध्यान में लिया गया इन बारे तो उन्होंने दिशा निर्देश से उन्होंने गाइडलाइन मुताबक असी इन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हों गिरफ़्तार किया जिन्हों मानयोग कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अगली कार्रवाई जी की जाएगी। ये जोड़े है करीब 16 व्यक्ति ने तो इन्हों धारा 157 CRP के तहत गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अब SDM साहब तलवंडी साबो की रिपोर्ट पेश किया जाएगा तो उस जो भी कार्रवाई होगी मुताबिक अगला एक्शन लिया जाएगा। पंजाब दियां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दियां खबरां लई तुसीं साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह की लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानूं तुसीं इंस्टाग्राम दे उत्ते भी फॉलो करो। देश विदेश की हर एक तरह की खबर हुण तुहानूं मिलेगी सिर्फ अज दी आवाज़ दे उत्ते। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।